हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसी टेक। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से अपने गूगल का या क्रोम का अपना सर्च हिस्ट्री कैसे क्लियर कर सकते हो। ये दोस्तों, ये बहुत ही आसान है अपनी सर्च हिस्ट्री क्लियर करना। सिंपली आपको कुछ टिप्स जो मैं देने वाला हूँ उनको फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोग को अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ऊपर तीन डॉट में टैप कर देना है। यहाँ पे आपको आपकी हिस्ट्री दिखाई देगी, टैप कर लो आप लोग अपनी हिस्ट्री में। अब आपको यहाँ पे ऊपर क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री का ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको टैप करके ये ओपन कर लेना है। अब आप लोग यहाँ पे क्या क्या डिलीट करना चाहते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। आपको यहाँ पे अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री दिख रही है, इसमें टैप कर लो। कुकीज़ एंड साइट डाटा में टैप कर लो। आपको यहाँ पे कैशे वो क्या कहते हैं, ये सब आपको इमेज एंड फाइल आपको दिख रही है, वो आप इसमें टैप कर लो। सेव पासवर्ड, अगर आप लोग चाहते हो जो आपके पासवर्ड इसमें सेव हैं अगर वो भी डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे टैप कर लो। मुझे नहीं करना है तो मैं इसमें नहीं करता हूँ। ऑटो फिल फ्रॉम डाटा, साइट सेटिंग वगैरह जो भी है अगर आप डिलीट करना चाहते हो कर लो, नहीं तो इसको अनटिक कर रहने दो। आपको कितने टाइम तक की करनी वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, 1 आवर, लास्ट 15 मिनट, 1 आवर, 24 आवर, 7 डे, 4 वीक, ऑल टाइम। सर ठीक है, यहाँ पर ऑल टाइम आपकी हिस्ट्री यहाँ पर दिख जाएगी। और अब आपको क्या करना है, इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 7 डेज़ की कर देता हूँ। यहाँ पे क्लियर डाटा मैं टैप करूँगा और फेसबुक फ्रीलेंसर और मलंग बॉक्स से हिंदी टाइपिंग, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी है यहाँ से मेरी क्लियर हो जाएगी। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरी क्लियर ब्राउजिंग डाटा हिस्ट्री सारी इंस्टाग्राम की, सॉरी गूगल की, यहाँ से मेरी क्लियर हो रही है। सिंपली आप लोग भी इस तरीके से क्लियर कर सकते हो और पूरा अपना जो भी स्टोरेज है उसको थोड़ा सा फ्री कर सकते हो।